हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज जानेंगे हम इस वीडियो में कि सोना की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें प्लॉटों ने कितनी ग्रोथ करी है। और दो तरह के प्लॉट हैं। पहले नंबर पे आते हैं प्रीमियम प्लॉट, जो रेगुलर प्लॉट होते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं दीनदयाल जन आवास योजना प्लॉट। दीनदयाल जन आवास योजना जो कि 180 गज के नीचे के साइज होते हैं, और प्रीमियम प्लॉट जो 180 के अबव ही साइज होते हैं। तो दो तरह के प्लॉट हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम सेंटर पार्क फ्लोर वैली का। तो फ्लोर वैली का प्लॉट का यदि मैं प्राइस का बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद होगा, 2020 के अंदर जब कोरोना वेव आई थी, फर्स्ट वेव आई थी, उसके बाद फर्स्ट वेव लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन के बाद जब रेट चलता था, जब चलता था 42,000 रुपये गज से लगा के 45,000 रुपये पर गज, और आज का जो प्राइस है वो है मिनिमम 2 लाख रुपए गज से लगा के 2.5 लाख रुपए पर गज का प्लॉट का रेट आता है। जो कि सेंटर पार्क फ्लोरो वैली की बात करता हूँ तो 1100 एकड़ की एक टाउनशिप है, बहुत प्यारी टाउनशिप है, तो उसका ये रेट है। उसके बाद प्रीमियम टाउनशिप की बात करता हूँ तो सेकंड प्रीमियम टाउनशिप आ जाती है सुपर टेक की, जो कि सेक्टर 2 के अंदर लोकेटेड है। बहुत ही कम लोग जानते हैं वहां पे प्रीमियम प्लॉट भी कटे हुए हैं, लेकिन वहां का जो रेट चलता था 32-35 हज़ार रुपये गज का चलता था, आज जो है 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए पर गज चलता है। कहीं ना कहीं रजिस्ट्रियां हो रही हैं, ये पहले के प्लॉट कटे हुए हैं। बाकी तो सुपर टेक डेवलपर की बात करता हूँ तो किसी काम का नहीं है। सुपर टेक हिल के नाम से टाउनशिप है, 140 एकड़ की, तो ये इसका रेट है। फिर एक और है जो नॉर्मल प्लॉट कटे थे, आपने सुना होगा प्रीकोर सिटी। तो प्रीकोर सिटी खैर रिसेंटली ही बात है, वहां पे भी 10 से 15 हज़ार रुपये पर गज का जो है एप्रिसिएशन आया है। और जो सुपर टेक की बात करता हूँ तो सुपर टेक 35, 32 या 40, वो अकॉर्डिंग टू प्लॉट, किसी कोई प्लॉट कॉर्नर का है, पीएलसी लगी, तो ये डिफरेंट यहाँ रह जाता है। और आज जो रेट है 1.25 लाख से लगा के 1.5 लाख रुपए पर गज है, और कुछ रजिस्ट्री वाले प्लॉट थे। तो ये प्रीमियम की 3 टाउनशिप थी। अब आ जाते हैं हम दीनदयाल पे। तो सबसे पहले जो दीनदयाल आया था वो आया था पारस का, पारस सेक्टर 5 के अंदर, पारस एकाम के नाम से आपने सुना होगा। जब डेवलपर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उस टाइम पे जो प्राइस था 29,000 रुपये पर गज का प्राइस मिलता था, आज का जो प्राइस है रीसेल हो रहा है 65,000 रुपये के आसपास में रीसेल हो रहा है। उसके बाद में एक और नाम आता है मेन रोड के ऊपर, जो कि सेक्टर 35 के अंदर लगता है, आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस नाम है, वो भी कोरोना वेव जो 2020 आई थी उसके बाद आया था, पिरामिड, पिरामिड स्प्रिंग वैली। पिरामिड स्प्रिंग वैली लगा के 37,000 रुपये से 40,000 रुपये का रेट था, आज जो है 1,30,000, 1,35,000, 1,25,000 रुपये गज, ये कहीं ना कहीं रीसेल हो रहा है। अभी जो है जो मेन रोड है सोना रोड, इसका कवर कर लेते हैं। तो ये सेकंड नंबर पे पिरामिड था। उसके बाद एलआईडी आया था। एलआईडी तो खैर रिसेंटली आया है, लेकिन एलआईडी के भी तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये पर गज का एप्रिसिएशन है। उसके बाद आपने सुना होगा सेक्टर 35 के अंदर ही जो मेन रोड पे है एटीएस, एटीएस होमक्राफ्ट, तो एटीएस ने जब लॉन्च किया था 95,000 रुपये पर गज था, आज जो चीजें ट्रेड होती हैं, रीसेल होती हैं, 1,32 से लगा के 1,40,000 रुपये पर गज रीसेल होता है। उसके बाद फिर एक और नाम है सेक्टर 36 के अंदर, आरोफ, आरोफ नॉर्मेशन। तो जब आरोफ ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तकरीबन 85, 90 या 82, ऐसा जो है, वैसे ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, ये मान के चलो 1.5 या 1.5 साल या 18 महीने से 20 महीने लगा लो, इतनी पुरानी बातें हैं। तो तब ये 80, 85 या मैक्सिमम 90 तक ये प्राइस था, आज वहां पे भी तकरीबन 1,25,000 रुपये गज से लगा के 1,30,000 रुपये पर गज का जो प्लॉट रीसेल में ट्रेड हो रहा, फ्रेश की कोई भी इन्वेंट्रिया नहीं है। तो पहला आरोप हो गया, फिर आरोप भी 2 पार्ट में आया था। फिर उसके बाद जो है एटीएस मैंने बता दिया, फिर उसके बाद एलआईडी है। एलआईडी के बाद जो है, मैं ये आपको मेन रोड के बता रहा हूँ, फिर अंदर के भी मैं आपको प्रोजेक्ट बताऊंगा। तो फिर एलआईडी है, फिर एक और नाम सुना होगा आपने शायद, मुश्किल ही सुना होगा, एमकेएस डेवलपर है नोएडा का, उसने भी बिल्कुल जो हमारा कियारा मंगलम यूनिवर्सिटी है उसके अपोजिट में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसका भी आज कहीं ना कहीं अच्छा प्राइस आ चुका है। और फिर एमकेएस ये हो गया सारा मेन रोड के। फिर हम थोड़ा अंदर चलते हैं तो आईरियो का रेट आया था तकरीबन तकरीबन 65-60 हज़ार रुपये पर गज, आज वो भी 1,00,000 रुपये पर गज का प्राइस हो चुका है। सोना में कुछ गुमनाम नाम ऐसे भी हैं जो आप पहली बार ही सुनोगे, जैसे कि गोकुल धाम है, गोकुल धाम का भी प्रोजेक्ट है, अंसल का भी प्रोजेक्ट है, और फिर जारा का भी प्रोजेक्ट है, सुपर टेक का एक मैंने ये प्रोजेक्ट बताया, यहाँ पर टाउनशिप थी सेक्टर 2 में,
जहाँ पर प्रीमियम भी है और दीनदयाल भी है। और दीनदयाल जो सुपर टेक की टाउनशिप है सेक्टर 2 के अंदर, वहां जब लॉन्च किया था तो तकरीबन 40-42 हजार या 38 हजार रुपये पर गज चीजें मिलती थी, आज लाख रुपए प्लस का ट्रेड होता है और वहां पे घर भी बनने स्टार्ट हो गए हैं, शायद एक दो घर में जो है ऑपरेशन भी हो गया है। तो सुपर टेक, वैसे तो अगेन बोल रहा हूँ, नाम बहुत ही मार्केट से आउट हो चुका है, एनसीएलटी में जा चुका है, खत्म है मार्केट से, लेकिन जो एप्रिसिएशन आया है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ये मेन रोड की चीजें थी। फिर आप सुनेंगे सेक्टर 4 के अंदर जीएलएस है, जीएलएस ने रिसेंटली विद इन 1 ईयर हुआ होगा तो वहां पे भी तकरीबन 15 हजार से लगा कर 20 हजार रुपये पर गज का एप्रिसिएशन है। फिर सेक्टर 4 के अंदर ही आईरियो का रेट था, ये भी सेम ही लगा, बात करता हूँ तो तकरीबन 10 से 12 हजार रुपये या मैक्सिमम 15 हजार रुपये पर गज का एप्रिसिएशन आया है। फिर बात करते हैं सेक्टर 5 के अंदर ही कोरोना ग्रीन, 50-52 हजार रुपए का रेट आता था, कुछ उससे कम भी आता था, आज 65-70 हजार रुपए पे रीसेल होता है। फिर सेक्टर 5 के अंदर ही आप सुनेंगे एक जेएमएस नाम है, जो सेक्टर 95 गुड़गांव में प्लॉट मिलते हैं, उनका भी प्रोजेक्ट था और तब लॉन्च हुआ था 42-45 हजार रुपए, ये रेट पे लॉन्च हुआ था, आज 65 हजार रुपए के आसपास में जो है रीसेल होता है। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ आपको दीनदयाल है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम और आगे सोना पार करके, ये सारी चीजें हैं जो बिल्कुल सोना से पहले हैं। फिर सोना में जो बहुत एक अच्छी टाउनशिप है प्रीकोर सिटी, अच्छी क्यों है, क्योंकि यदि आप एक एंड यूजर पर्पस से लेते हैं तो बसावट जो है उसके बिल्कुल बीच में आ जाती है, खुला एरिया है, 100 एकड़ के आसपास की टाउनशिप है, प्रीकोर सिटी बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो वहां पे फैमिली भी रह रही है बहुत टाइम से घर बना के, तो वहां पे 40 हजार रुपए के आसपास का रेट स्टार्ट हुआ था, आज 65-70 हजार रुपए गज ये प्राइस मिलता है। प्रीकोर सिटी के अंदर जो है दीनदयाल प्लॉट भी है और प्रीमियम प्लॉट भी है। उसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे, एक और सुपर टैग की तरह खत्म सा नाम है रहेजा। तो रहेजा का रेट जो है लगभग लगभग जिस रेट पर लॉन्च हुआ था उसी रेट के ऊपर 2-4-5 हजार रुपये लगा लो वैसे ही चलता रहता है, वो भी टाउनशिप है 240 एकड़ की, लेकिन थोड़ी यहाँ कटी हुई थोड़ी यहाँ कटी हुई बीच में है, तो इस तरह की चीजें आती है। बाकी यदि आप प्रीसेल में देख रहे हो तो मेरा ये मानना है रहेजा और सुपर टैग से दूर ही रहे, क्योंकि सुपर टेक में आप देख सकते हैं वहां रजिस्ट्री है और टाउनशिप भी ठीक ठाक है, मतलब मेंटेन की हुई है, लेकिन रहेजा ना मेंटेन है ना टाउनशिप ठीक है ना प्लॉट है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे जाएंगे जहाँ पे कि हमारी आईएमटी बन रही है, आईएमटी के जस्ट अपोजिट में आपने सुना होगा सुपर टेक ही और एक डेवलपर है गोल्ड सुख, दोनों की कोलेबोरेशन में एक प्लॉट कटी थी जहाँ पे कि 60 गज से लगा के 180 गज तक के साइज थे, 25-26 हजार रुपये गज, ये पुरानी बातें बता रहा हूँ मैं, 2016-17 के आसपास की, और आज वहां पर जो चीजें ट्रेड होती हैं 60 से 65 हजार रुपये पर गज के हिसाब से ट्रेड होती हैं। तो ये वो चीजें थी जो मैंने आपको बताई सोना में कितना एप्रिसिएशन आया है। हो सकता है एक आध चीज ऐसी है जो बाई मिस्टेक छूट जाए तो वो कमेंट करके आप बता भी सकते हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट सारी चीजें है हमने कवर कर ली हैं, जो कुछ गुमनाम नाम थे वो भी कवर कर लिए हैं और जो आप नहीं जानते थे वो भी आप तक पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह की चीजें देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और कंटिन्यू ऐसी चीजें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली इस तरह की चीजें हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।